शिक्षार्थियों नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं वह विषय है भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान और विषय विशेषज्ञ के रूप में मिजोरम विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी नमस्कार, और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम। डॉक्टर साहब, ये विषय बहुत ही रोचक है और कई मायनों में विवादित भी है कि भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान क्या है और भारत में अंग्रेजी भाषा को कैसे देखा जाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी पूर्व पीठिका हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि भारत में अंग्रेजी को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे भारत में अंग्रेजी भाषा के स्थान विषय पर। ये बड़ा ही थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है और मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। भारत को आज भी बहुत से पुस्तकों में या बहुत से लोग कहते हैं कि एक विदेशी भाषा है, जबकि इस भाषा को 400 साल के आसपास हो गए भारत में जी, और एक मूल भाषा कही जा सकती है क्योंकि इसके अपनी जड़ें जमा ली हैं और बहुत अच्छे तरह से जमा ली हैं जी। मैं बताना चाहूँ कि अंग्रेजी भारत में मूल रूप से विदेशी भाषा मानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका जन्म भारत में नहीं हुआ, परंतु वर्तमान संदर्भ में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। आज की स्थिति में अंग्रेजी सैद्धांतिक रूप से भारत गणराज्य की द्वितीय राजभाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, और व्यवहारिक रूप से प्रथम, मतलब कि सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है हमारे ऑफिशियल कामकाज हैं, जो राजकाज है उसमें अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। अब इसका जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा करेंगे जी। चूँकि अंग्रेजी भाषा जो है वो अंग्रेजों के आने के साथ भारत में प्रवेश करती है, तो इसका इतिहास जानना कि किस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्व तक इसने किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट किया और किस तरीके से यह धीरे 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 भारत की दूसरी राजभाषा मजबूरी हमारे राजनीतिज्ञों की हो गई कि इसे बनाया जाए, तो इस विकास के बारे में। इसका सूत्रपात 17वीं शताब्दी में होता है। यह भाषा ब्रिटिश व्यापारियों के साथ भारत आती। कल भी हम चर्चा किए थे कि व्यापार और वाणिज्य का भाषा के विकास में काफ़ी योगदान होता है, और 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों के सत्ता में आने से यह एक महत्वपूर्ण भाषा बन जाती है। मैकॉले के विवरण पत्र पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के माध्यम से यह भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की औपचारिक नींव पड़ जाती है। 1835 में काफ़ी प्रसिद्ध विवरण पत्र है, मैकॉले मिनट्स के नाम से फेमस है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी भारत में प्रशासन की भाषा रही, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय रही, विद्यालय स्तर पर कुछ विषयों और विश्वविद्यालय स्तर पर सभी विषयों के लिए अनुदेशन की माध्यम भाषा के रूप में रहती है। स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी का भी विरोध हुआ और हिंदी को प्रश्रय दिया गया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। जो भी जैसे शिक्षा नीति भी बनती है तो उसमें हिंदी और मातृभाषा की चर्चा होती है, अंग्रेजी का विरोध होता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया, परंतु भारत के एक बड़े भूभाग पर दक्षिणी और पूर्वोत्तरी राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में और दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी का प्रसार अच्छे से नहीं हो सका था। इस कारण से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये अनुच्छेद 343 के खंड दो में आप देख सकते हैं। अंग्रेजी संविधान लागू होने के 15 वर्ष के उपरांत 1965 तक हिंदी भारत की इकलौती राजभाषा होने वाली थी, परंतु दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध और प्रशासनिक कठिनाइयों के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा अंग्रेजी भाषा के राजभाषा के दर्जे की समाप्ति की तिथि को ही समाप्त कर दिया गया। जो एक्सपायरी डेट थी 15 साल की, उसको हटा दिया गया है। इस प्रकार लगभग स्थायी रूप से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा हो गई है। लगभग स्थायी रूप से लगभग कहने का मतलब उसका प्रोसीजर है, राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तो एक प्रक्रिया के तहत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब संवैधानिक स्थिति क्या है अंग्रेजी की, हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा के विषय में क्या लिखा हुआ। भारत में अंग्रेजी के प्रयोग की स्थिति इस प्रकार है। सभी प्रशासनिक कार्यों में,
केंद्रीय शासन और गैर हिंदी राज्यों जहां हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं किया गया है के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए। जैसे केंद्र सरकार अगर उत्तर प्रदेश सरकार को कोई पत्र व्यवहार करती है तो हिंदी में होगा, हो सकता है, लेकिन अगर तमिलनाडु सरकार को करेगी या मिजोरम सरकार करेगी तो अंग्रेजी में होगा। अगर हिंदी राज्यों और गैर हिंदी राज्यों के मध्य संवाद हेतु अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हिंदी में संवाद होगा, उत्तर प्रदेश और मिजोरम या तमिलनाडु में अंग्रेजी में संवाद होगा। संविधान का अनुच्छेद 348 के खंड 1 के अनुसार अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की स्थिति इस प्रकार है। किन किन कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी, ये स्पष्ट रूप से खंड 1 के उपखंड आ में लिखा है। खंड बा में स्पष्ट रूप से लिखा है संसद के दोनों सदनों और विधानमंडलों द्वारा प्रस्तावित किसी भी विधेयक की भाषा, संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों, राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा प्रवर्तित विधेयकों की भाषा, संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन बनाए गए सभी आदेशों, नियमों और विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। जो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है, प्राधिकृत पाठ है, ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशन है, वो अंग्रेजी में होंगे। जी। शिक्षा में अंग्रेजी का क्या स्थान है संविधान के अंदर? सुनता उपरांत उस शिक्षा के लिए गठित आयोग जो शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग था, राधाकृष्णन आयोग, 1948 और 49 के बीच जिसका टेन्योर था, ने माना था कि हमें भावुक होकर अंग्रेजी भाषा को त्याग नहीं देना चाहिए, इससे हम सतत प्रवाहशील ज्ञान राशि से विलग हो जाएंगे, इससे विश्व विचार क्रांति में हमारी सहभागिता नगण्य हो जाएगी और फलस्वरूप हमारे बौद्धिक स्तर का तेजी से ह्रास होगा। ये विश्वविद्यालय राधाकृष्ण आयोग का ये मत जी, है जी। आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में निपुणता को अनिवार्य शर्त माना। आप जान रहे होंगे किस भाषा में लिखा गया है कि जो लोग अंग्रेजी भाषा में प्रोफिशिएंट नहीं है उनको डिग्री नहीं दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है। स्वतंत्रता के बाद 1952-53 में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को विषय वस्तु की समझ के दृष्टि से श्रेष्ठ मानता है और पाठचर्या में अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में स्थान देने की संस्तुति करता है। और उसके बाद 1964-66 में जो कोठारी आयोग, जो आज भी उसको मतलब कि समीचीन माना जाता है, अभी भी जो हमारे शिक्षक शिक्षा में नवीन परिवर्तन हुए उसी को आधार माना गया है, ने अंग्रेजी को सर्वाधिक उपयोगी पुस्तकालीय भाषा माना है, लाइब्रेरी लैंग्वेज माना है, क्योंकि विश्व का अधिकतम जो साहित्य है, टेक्निकल लिटरेचर हो या एस्थेटिक लिटरेचर हो, वो प्रचुर मात्रा में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। और इसको एक विश्व गवाक्ष की संज्ञा दी, विंडो ऑन द वर्ल्ड, कि हमें विश्व को देखना है तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो अभी ये तो थोड़ा पुरानी विचार लगते हैं, अभी पिछले दशक में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 2007 में गवर्नमेंट को सौंपी गई, सैम पेत्रुदा जिसके अध्यक्ष थे 2005 में, जी ज्ञान आयोग ने अंग्रेजी के ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके शिक्षा की शुरुआत प्रथम कक्षा से करने की संस्तुति की है। ये महत्वपूर्ण संस्तुति मानी जानी चाहिए, जिसकी अनुक्रिया स्वरूप 2008 तक 25 राज्यों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रथम कक्षा से प्रारंभ हो चुका था। कई राज्यों में 25 राज्य तो इन्होंने दिखाया है अपनी रिपोर्ट में, और दूसरे जैसे उत्तर प्रदेश में पहले कक्षा 6 से इसका शिक्षण शुरू होता था, अभी कक्षा 3 से शुरू हो गया, और जो निजी विद्यालय हैं वो तो कक्षा 1 से ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ज्ञान आयोग ने अंग्रेजी के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु उत्तम पाठ पुस्तकों के विकास और श्रव्य मुद्रित साधनों द्वारा भाषा अधिगम के अवसरों के सृजन की संस्तुति की है। ये हम जानते हैं कि भाषा सिर्फ कक्षा कक्ष में जिसे लेक्चर देते हैं या पढ़ाने से नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो और प्रिंट साधनों का प्रयोग किया जाए और उनको प्रचुर मात्रा में प्रोवाइड किया जाए विद्यालयों के लिए। ये तो हमारे आयोग और जो भी कमेटी बनी है उनके विचार हैं, इसका महत्व किस रूप में है
ये देखना है हमको, यह भाषा भारत में किस तरह से अपनी भूमिका अदा करती है, उसको हम बिंदुवार ढंग से समझते हैं। एक तो ये संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। संपर्क, जैसे दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में आते हैं तो किस, या उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाते हैं तो वो आपस में किस भाषा में बात करें, ये जैसे वो हिंदी नहीं जानते और हम तमिल मलयालम तेलुगु नहीं जानते हैं, मान लो ये दक्षिण भारत में हिंदी का काफ़ी प्रचार हुआ है, तमिलनाडु अगर छोड़ दिया जाए वहाँ भी लोग पढ़ते हैं हिंदी, लेकिन सरकारी रूप से उसको स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जैसे मैं मिजोरम में जाता हूँ तो मुझे मिजो नहीं आती, वो एक ये हिंदी परिवार की जो भाषा है उससे अलग भाषा है, हम आसानी से सीख भी नहीं सकते हैं, थोड़ा कठिन है मेरे लिए। तो वहाँ पर हम अंग्रेजी माध्यम से काम चलाते हैं, चाहे वो एक सब्जी खरीदने की दुकान हो, चाहे वो कोई दूसरा सरकारी कार्यालय हो, हर जगह लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। और सिर्फ व्यक्तियों के बीच में नहीं, सरकारों के बीच में, जो पहले भी हमने चर्चा की कि पत्र व्यवहार जो है वो संपर्क, मतलब कि एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इसका रोल है, भले हम उसमें किसी भी पूर्वाग्रह से इसको नकार दें। फिर शिक्षा और संप्रेषण के माध्यम के रूप में बहुत सारे निजी विद्यालयों में और कई सरकारों ने इसको अनुदेशन की भाषा भी माना है। जैसे अभी मिजोरम ने ही इसको इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया सरकारी विद्यालयों में, जबकि पहले मिजो में था। तो एक तो शिक्षा में इसके माध्यम के रूप में है, संप्रेषण मीन्स जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे, और दूसरा कि जो हायर एजुकेशन की भाषा है जो विश्वविद्यालय स्तर पे है वो अंग्रेजी भाषा है आज भी विशेष रूप से जो विज्ञान विषय हैं, तकनीकी विषय हैं, या जो कानून के विषय हैं, इनकी भाषा अंग्रेजी है शुद्ध रूप से। पुस्तकालय भाषा, पहले भी मैंने बोला कि प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, तो किसी पुस्तकालय में आप जाइए विश्वविद्यालय के, आपको 70-80% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा की मिलेंगी, और अच्छे लेखक भी उपलब्ध हैं। हिंदी में लिखने की समस्या हमारे देश में ही है, जहाँ हिंदी राजभाषा है वहाँ भी अच्छे लेखक उपलब्ध नहीं है, तो अंग्रेजी में लिखने की तो बाध्यता हो जाती है और अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें पढ़ने की बाध्यता हो जाती है। तो साहित्य उपलब्ध है, एक अच्छी पुस्तकालय भाषा है अंग्रेजी। लोक भाषा के रूप में, अब भारत में इसे बहुत लोग विदेशी भाषा मानते हैं, तो लोक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग होता है। आप आसानी से देख सकते हैं कि जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर पर्यटक विदेशी पर्यटक आते हैं, और भारत में बहुत विदेशी पर्यटक आते हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे वो जहाँ नेचुरल सीनरी है और यहाँ जहाँ पर स्पेशल कल्चरल फैक्ट अवेलेबल है, लोग आते हैं, कल्चरल हेरिटेज जहाँ विभिन्न उद्देश्यों से आते हैं भारत घूमने, तो आप देख सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे रिक्शा वाला भी बता देगा कि 10 रुपीज़ BHU गेट, तो BHU द्वार कोई नहीं बोलता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो द्वार है, मुख्य द्वार है, उसको द्वार कोई नहीं बोलता है, रिक्शा वाला भी नहीं बोलता है, गेट बोलता है। और वो 5 रुपीज़ BHU गेट से अपने कस्टमर्स को इंट्रैक्शन कर लेता है। अब जो फूल पत्ती बेचने वाले हैं, ये बनारस में तो ये एक सामान्य फेनोमेना है, बुके छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है, अन्य स्थानों पर भी देख सकते हैं, बुके ही बोलते हैं, वो गुलदस्ता नहीं बोलते हैं, और कई लोग तो पुष्पगुच्छ भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मतलब छोटे व्यवसाय में लोग, कम पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, और ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जनसंपर्क की भाषा के रूप में कार्य करती है। और हम लोग भी मिजोरम में रहते हैं, तो हम लोग भी व्हाट प्राइस, इस तरह से मतलब कि कुछ टूटे फूले शब्दों के साथ में कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे सब्जी बेचने वाले लोगों से सब्जी खरीद लेते हैं, तो जनसंपर्क की भाषा के रूप में अंग्रेजी कार्य करती है। क्षेत्रीय साहित्य के पोषण में, मुझे लगता है जो शिक्षक हैं या जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बात से ऐतराज़ नहीं होगा कि भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी भाषा से काफ़ी प्रेरणा मिली है। और हमारा जो माना जाता है, एक विचार है, साहित्य जो छायावाद है हिंदी साहित्य का, वो अंग्रेजी के रोमेंटिसिज्म से काफ़ी प्रेरित रहा है, उस तरह की रचनाएँ हिंदी में लिखेंगी। और जब हम अंग्रेजी के साहित्य का अनुवाद भी करते हैं, उससे भी हमारी भारतीय भाषाओं को, हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी एक साहित्य समृद्धि हुई है।
इसमें ऐतराज़ नहीं होगा किसी को भी, मुझे लगता है कोई विवाद का विषय नहीं है। फिर शासकीय और विधिक भाषा के रूप में, एक तो संविधान में ही हमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है अंग्रेजी को, और इसके अलावा लीगल लैंग्वेज जो है, जो कोर्ट की भाषा है, संविधान में भी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। उसके अतिरिक्त जो संविधान की पुस्तकें हैं, जो विधि विषय से संबंधित पुस्तकें हैं, कानून की पुस्तकें हैं भारत में, वो अंग्रेजी की भाषा में अधिक हैं, और उनका जो विषय वस्तु है अंग्रेजी भाषा के किताबों का, वो अधिक अच्छा माना जाता है। ये मैंने उनसे जाना है जो लोग उस विषय के जानकार हैं। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विज्ञान की भाषा आज भी अंग्रेजी है, और किसी भी चाहे हिंदी क्षेत्र का विश्वविद्यालय हो या अंग्रेजी क्षेत्र का या अन्य गैर हिंदी राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें विज्ञान विभाग जो है और जो तकनीकी विभाग हैं, वो अंग्रेजी भाषा में ही संचालित होते हैं, वो हिंदी में संचालित नहीं होते हैं। और जनसंचार व सामाजिक मीडिया की मुख्य भाषा के रूप में जो न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं और न्यूज़ पेपर देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा में अधिक न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल हैं, जहाँ पे अंग्रेजी विश्व में जो विकसित देश हैं जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, इनकी तो भाषा ही अंग्रेजी है। जब हम विश्व के जनसंचार और सामाजिक मीडिया जैसे सोशल मीडिया बोलते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इनमें सब अंग्रेजी का अधिक प्रयोग है, और इससे अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं हम। ये तो अंग्रेजी भाषा का महत्व। अब विशेष जो बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी और रोजगार में सहसंबंध के कारण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की मांग बढ़ी है। इसे निजी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम और तथाकथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की बढ़ती संख्या से समझा जा सकता है। एक तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं जो अच्छे शिक्षकों, जो अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट हैं, निपुण शिक्षक हैं, उनको उनकी नियुक्ति करते हैं और अंग्रेजी माध्यम से विषयों की पठन पाठन में व्यवस्था करते हैं। एक वो विद्यालय हैं सिर्फ जो अंग्रेजी भाषा माध्यम का बोर्ड लगा लिए हैं, और गांव गांव में ऐसे विद्यालय ज़्यादा हैं, तो इनकी संख्या बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए लग रहा है कि जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से पढ़े। अक्सर यहाँ पे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसका क्लैरिफिकेशन जो है, इसका विश्लेषण जो है, हमारे विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। जी जरूर। वह प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि अंग्रेजी भाषा जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन में और जिस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन में डोमिनेंट कर रही है, ऐसे संदर्भों में हमें मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में किस प्रकार से बच्चों को एडजस्ट कराना चाहिए, या हमें इसको किस प्रकार से लेना चाहिए, इसका संदर्भ जरा से जानना चाहूँगा। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने इस प्रश्न पे बाद में चर्चा भी की है। हाँ, हम उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाएंगे भी। हाँ, हाँ, और अभी तो हमें लगता है कि इस बिंदु पे हम बात करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक जी, जी जी। और इसके जो अंत में जो हमारे पत्र हैं उसमें आप देख सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे देहाती क्षेत्रों में जो हम बात कर रहे थे, मात्रा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की मात्रा बढ़ रही है, तो उसमें आप एक और तथ्य है कि जो सरकारी विद्यालय हैं और जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उनमें बच्चों की संख्या कम हो रही है, और जो महंगी शिक्षा दे रहे हैं उनमें संख्या बढ़ रही है बच्चों की। ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है, इसको कैसे हल किया जाए, ये सरकारें कोशिश करें तो अच्छा होगा। अंग्रेजी के नाम पर भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान, कोचिंग केंद्र भी फल फूल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे सरकारी जो आंकड़े हैं उसमें भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों का जिक्र किया गया है, और कोचिंग केंद्र अंग्रेजी के नाम पर चल रहे हैं कि अंग्रेजी सिखाने के कोचिंग केंद्र हर शहरों में मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे इससे लगता है कि अंग्रेजी की मांग बढ़ रही है। ये एक जैसे कि स्वतंत्रता के समय पर इसका विरोध हो रहा था, अब इसको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, इसको अन्य भाषाओं को दबा के स्वीकार किया जा रहा है, ये परिदृश्य जन्म लिया है नया। अभिभावकों की मांग को देखते हुए सन 2002 में मिजोरम राज्य सरकार ने कुल 144 प्रारंभिक, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में मिजो भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया। ये सरकारें इस तरह के
स्टेप ले रही हैं कि वो क्षेत्रीय भाषा माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी भाषा माध्यम में बदल दे रही हैं, कन्वर्जन हो रहा है विद्यालयों का। सन 2017-18 से सभी सरकारी और अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का आदेश 2016 में जारी हो चुका है मिजोरम में। यह स्थिति तब है जब मातृभाषा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार है। आप इसको 2009 का जो राइट टू एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें देख सकते हैं कि वो भाषा का माध्यम मातृभाषा की संस्तुति करता है। निष्कर्ष में हम, मिश्रा जी आपने जो प्रश्न किया था उसका यहाँ भी हम देखेंगे कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कि हम कैसे सामंजस्य बिठाएं इसमें, जो आपने प्रश्न किया था उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक विदेशी भूभाग में जन्मी पर एक भारतीय भाषा है, 400 साल भारत में हो चुके हैं, और ऐसे कई भाषाएं हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, कभी कभी भारत में आई हैं और वो भारतीय भाषाएं मानी जाती हैं। लघु भारत के सभी क्षेत्रों में इसका स्थान द्वितीय भाषा के रूप में है, मिसियों में भी, स्कूलों में भी, और जनभाषा के रूप में भी। व्यवसायिक और शैक्षिक दृष्टि से एक उपयोगी भाषा है, और यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम विद्यालयों की ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जानने वाले किसी न किसी रोजगार में कुछ जुड़ जाते हैं और कुछ कमा सकते हैं। जी जी। दूसरी भाषा की जल्दी शुरुआत से सीखने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम बच्चे को प्रथम भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा भी सिखाना शुरू कर दें तो बच्चा दोनों भाषाएं आसानी से जल्दी सीखता है। एक सीखने की उम्र होती है और बच्चे प्रौढ़ों की अपेक्षा भाषा जल्दी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। अतः अंग्रेजी का विषय के रूप में शीघ्र प्रारंभ एक सही कदम कहा जाएगा, जो ज्ञान आयोग ने भी इसकी संस्तुति की थी। यदि अन्य विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी विषय वस्तु के साथ साथ लक्षित भाषा को भी सीख लेते हैं। जैसे कि अंग्रेजी पढ़ाना हमारा टारगेट है और हम सामाजिक विषय को या विज्ञान को अंग्रेजी में ही पढ़ाएं तो भाषा भी सीखेंगे और विषय भी सीखेंगे, लेकिन ये तथ्य के बाद में हम और भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा में शीघ्रता व सरलता से चिंतन करता है, अतः मौलिक चिंतन क्षमता के विकास के लिए, विषय वस्तु की ठोस समझ के लिए प्रारंभिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि समझ का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा होती है। मुझे लगता है कि मिश्रा जी जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर यहाँ पर है कि हमें माध्यम मातृभाषा रखनी है और विषय के रूप में अंग्रेजी को अच्छा शिक्षण करना है। जी जी। अंग्रेजी के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयास प्राथमिक स्तर से ही किए जाने चाहिए, परंतु अंग्रेजी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक अनुदेशन की माध्यम भाषा नहीं बनाया जाना चाहिए, जब तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के अवसर उपलब्ध रहे। कुछ जगहों पर क्षेत्रीय भाषा जो है वो बच्चों की मातृभाषा नहीं है। जैसे एक उदाहरण समस्या हमारे मिजोरम में भी है कि मिजो भाषा तो क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन वहाँ अन्य जो अलग जनजाति समूह हैं जैसे चकमा है, मारा है, उनकी भाषा तो ना तो क्षेत्रीय भाषा है और ना राष्ट्रीय भाषा है, तो वहाँ उनके साथ समस्या है। और उनकी भाषाओं में पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं। जो मिजोरम सरकार का जो बोर्ड है, विद्यालय परिषद जो है, जो पुस्तकों का प्रकाशन करता है, जो SCERT है, उन्होंने उन भाषाओं में नहीं अभी तक कर पाया है। विभिन्न समस्याएं राज्य सरकारों के सामने भी हैं। तो ऐसे बच्चों को हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, जिससे कि द्वितीय भाषा का ज्ञान भी होगा और उसका शिक्षण, मतलब विद्यालय भी चल सकेंगे इस भाषा में। जी। तो इससे बच्चों में समझ के विकास के साथ साथ भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों में भी मदद मिलेगी। जी। जैसा कि मिश्रा जी हम बोल रहे थे कि अगर हम मातृभाषा में शिक्षण करेंगे तो बच्चों को चीज़ें अधिक समझ में आएंगी, क्योंकि चिंतन क्षमता हमारी मातृभाषा में अधिक होती है। आज भी हम प्रौढ़ हो गए हैं और अंग्रेजी भाषा का अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन तब भी हिंदी में या हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम अच्छे से सोचते हैं और उसमें चिंतन क्षमता काफ़ी मौलिक होती है। और इससे दो कार्य हो सकते हैं, एक तो बच्चों में समझ का विकास होगा अच्छे से, दूसरा कार्य होगा कि जो सांस्कृतिक संरक्षण या भाषा का संरक्षण का जो समस्या सामने आ रही है
उसमें हमें मदद मिलेगी। जी जी, सांस्कृतिक मतलब संरक्षण, भाषा संरक्षण जुड़ा हुआ है। अगर किसी भाषा के मृत हो जाने से, सिर्फ भाषा ही मृत नहीं होती एक है, संस्कृति एक संस्कृति मृत हो जाती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भाषा का भी एक जीवन होता है, जैसे भाषा के मृत होने की जो बात कही, भाषा का एक जीवन होता है, भाषा का जन्म होता है, विकास होता है और एक अंतिम परिणति भी होती है। जैसे अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी को आज भी बहुत लोग एक बोली के रूप में जानते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एक भाषा के रूप में उसका विकास हो चुका है। उसमें कई विश्वविद्यालयों में विभाग खुल चुके हैं, मीडिया में उसका प्रयोग हो रहा है, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी, भारत के बाहर भी, मॉरिशस और फिजी इन देशों को हम देखते हैं कि वहाँ पर भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है। तो एक तरह का विकास, एक भाषा बन चुकी है। और जैसे हमारी एक पहले भाषा थी ब्रज भाषा, खूब साहित्य लिखा गया उसमें, खड़ी बोली से पहले आज वो एक बोली के रूप में ही जानी जाती है। तो एक परिवर्तन चलता रहता है, ये एक कह सकते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रिया है भाषा के विकास की। तो इसमें आज एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोग जब अंग्रेजी सीखने के पीछे पड़े हुए हैं तो कई भाषाओं को छोड़ चुके हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में ही 15 बोलियाँ थीं, आज कुमायूनी और गढ़वाली के अलावा कोई नहीं जानता है, दो के अलावा किसी की पहचान नहीं है। तो हो सकता है कि कल उनकी भी पहचान ना रहे। जी जी जी। तो इस आज विश्व में एक तथ्य मैंने पढ़ा था और ये सही ऑथेंटिक वेबसाइट थी, जिसमें लिखा था कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा मर जा रही है और इस शताब्दी के अंत तक विश्व की 7,000 भाषाओं में से आधी भाषाएं बचेंगी। जी, भाषाओं के सीखने और भाषाओं को समझने का क्रम जो है वो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। डॉक्टर साहब, आपने एक विवादित विषय को बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में हमारे सामने रखा और आपने पूरी इसकी पूर्व पीठिका बनाते हुए हमें यह बताया कि अंग्रेज़ी भारत में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, अंग्रेज़ी का भारत में क्या स्थान है और कैसे वो अन्य भाषाओं के साथ एक कोएग्जिस्टेंस में रह रही है, जो कि हमारी मातृभाषाएं हैं, जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और किस प्रकार से इसके महत्व को राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने भी स्वीकार किया है। तो एक बहुत सहज और सरल तरीके से आपने इस विषय को हमारे सामने रखा, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और नमस्कार शिक्षार्थियों। धन्यवाद, नमस्कार।